जय शिव शंकर। अभी हम त्र्यंबकेश्वर में हैं जो महाकाल की नगरी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं महाकाल के दर्शन कराते। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम यहाँ के मार्केट में पहुँच गए। हमें ज्ञात हुआ कि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण दर्शन करने का मार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से अब दर्शन करने के दो तरीके हैं। पहला ये कि आप फ्री दर्शन की लाइन में लगकर भी दर्शन कर सकते हैं, और दूसरा पेट दर्शन का विकल्प लेकर भी दर्शन कर सकते हैं। ये आपकी च्वाइस है। तो हमने फ्री दर्शन करने का फैसला किया और आगे बढ़ गया। मार्केट का नजारा देखकर ये समझ में आ गया कि कोरोना की वजह से मार्केट खाली पड़ा है और यहाँ पर लोगों की भीड़ भी कम है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ है तो कुछ लोगों ने नहीं लगाया हुआ है। आप जरूर मास्क का प्रयोग करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। यहाँ पर एक छोटे बच्चे का पैर बैठने के लिए बनाई गई रेलिंग में फंस गया, जिस वजह से थोड़ा वेट करना पड़ा। फाइनली बच्चे का पैर उससे निकल गया। अब हम फ्री दर्शन की लाइन में आगे बढ़ते हुए महाकाल के गर्भगृह के दर्शन की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। एक बात ध्यान देने वाली है कि फ्री दर्शन की लाइन में आपको कम से कम 15 से 20 लोहे से बनी रेलिंग को पार करना ही पड़ेगा, जिसको पार करने में आपको कई घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद ही आप गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर आप पेट दर्शन का विकल्प लेकर मात्र 250 रुपये पर दर्शन देकर केवल 30 से 40 मिनटों में ही गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली सारी रेलिंग को पार करते हुए अब हम इस पत्थर से निर्मित गेट के आगे गर्भगृह के दर्शन करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गर्भगृह के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर हमें गर्भगृह देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अभी तो और अंदर जाना है, काफी इंतजार करना पड़ा अंदर जाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम मंदिर के अंदर पहुंच गए और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ है जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। अंदर काफ़ी भीड़ जमा हो गई है दर्शन करने के लिए, जो कि आप देख ही रहे हैं। अब हम भी जल्दी से दर्शन करते हैं। वैसे अभी आपने टीवी स्क्रीन पर उसी गर्भगृह को देखा। सामने जो बच्चा नज़र आ रहा है ये वही बच्चा है जिसका पैर लोहे की रेलिंग में फंस गया है, जो अभी हंस रहा है। बड़ा ही क्यूट है ना बच्चा। फाइनली गर्भगृह के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन करने को मिला हमें। बाहर से ये मंदिर और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मंदिर पूरा का पूरा काले पत्थरों का बना हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। शाम के समय दुधिया लाइट्स में इस मंदिर का नज़ारा देखते ही बनता है। गर्भगृह के दर्शन करके हम मंदिर परिसर से बाहर जा रहे हैं, तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी भी हंसी छूट गई, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाव नहीं है। और इसी बीच कार्ड ने मुझे मंदिर परिसर का वीडियो बनाते देख लिया और कहने लगा, ए मोबाइल ए मोबाइल, और मुझे भी वहाँ से जल्दी से भागना पड़ा।